हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आज का न्यूज को लेकर जो आप लोग का रिजल्ट्स ओरिएंटेड है। जैसे आप सब जानते हैं कि जेक बोर्ड द्वारा एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाया गया था और उन कमेटियों को एक जिम्मेदारी सौंपा गया था कि आप फॉर्मूला तय करें किस आधार पर स्टूडेंट्स को मार्क्स दिया जाएगा। और यानी कल गुरुवार को उन कमेटियों ने एक फॉर्मूला तय किया है, वो फॉर्मूला है 80-20। आइए हम लोग समझते हैं 80-20 क्या है। ठीक है, यानी अगर जो मैट्रिक का रिजल्ट बनेगा, 9वीं के 80% मार्क्स और 20% मार्क्स प्रैक्टिकल दिया जाएगा, और जो इंटर का रिजल्ट बनेगा, 11th के 80% मार्क्स कंसिडर किया जाएगा, 20% प्रैक्टिकल मार्क्स दिया जाएगा जिन जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल है, और जिन जिन सब्जेक्ट्स में आपका प्रैक्टिकल नहीं है उन पर 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट्स मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, और ये इंटरनल असेसमेंट्स मार्क्स देने का जिम्मेवारी स्कूल को सौंपा गया है, यानी अब स्कूल तय करेगा 20 नंबर में कितना नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये काल का रिपोर्ट जो 5 सदस्यीय कमेटी ने जेक बोर्ड को सौंपा और जेक बोर्ड ने इसको अप्रूवल करके हरी झंडी दिखा दिया, यानी आपका फाइनल रिजल्ट बनाने के फॉर्मूले 80-20 पर तय हुआ। ठीक है, और दूसरा बात यह है कि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जरूरी नहीं है जो 9 में सभी स्टूडेंट पास किए हैं वो सारे हो सकता है 10th में फेल भी हो सकते हैं, और जो बच्चे हो सकता है कि इसका मतलब क्या है आप समझिए। देखो, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स, जैसे आपने हमारा 5 सब्जेक्ट्स का एग्जाम हुआ था 9th में और 11th पर भी 5 सब्जेक्ट्स का एग्जाम हुआ था, मान लीजिए आप 4 सब्जेक्ट्स में पास किए हैं और 1 सब्जेक्ट को प्रमोट कर दिया गया है ना, तो उस प्रोमोट किए गए सब्जेक्ट्स पर भी आप बोर्ड जब आप मैट्रिक का रिजल्ट बनाएगा उस टाइम क्या करेगा कि आपको देखेगा जो आपने 9th में मार्क्स लिए लाए हैं उसका 80% निकालेगा, और उस मार्क्स को आपका जो इंटरनल असेसमेंट्स या प्रैक्टिकल मार्क्स को जोड़कर 33 नंबर आना जरूरी है। अगर आप 33 नंबर नहीं लाते हैं तो आपको फेल समझा जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आपका 12th में भी क्या करेगा, जैसे 12th में भी 5 सब्जेक्ट्स का एग्जाम हुआ था और उनमें से क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे बच्चे को किसी किसी सब्जेक्ट में फेल हुए तो उसको प्रोमोट कर दिया गया, तो उन सब्जेक्ट्स में हो सकता फेल भी हो सकता है या पास भी हो सकता है। आपका अगर जो नंबर लाए हैं उस नंबर का 80% निकाला जाएगा, और उस 80% नंबर अगर जो इंटरनल असेसमेंट का जोड़ के 33 नंबर आया है तो आपको पास समझा जाएगा, नहीं तो आप फेल समझा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का न्यूज था, और न्यूज कैसा लगा, और मैं इस पर एक वीडियो भी बना चुका हूँ 80-20 और 70-30 पे भी बनाया था, बट अभी जो बोर्ड ने अप्रूव किया है वो आपका 80-20 में ही अप्रूव किया गया है। ठीक है, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और वहां से आप समझ सकते हैं किस आधार पर मैंने एक मार्कशीट भी बनाया, लेकिन वो 70-30 जो था उसको आप इग्नोर करिए, उसके जगह आप 80-20 करिएगा, यानी 80% निकालिएगा, 20% आपको स्कूल में जो आपको एक्सपेक्ट करते हैं आप कितना मार्क्स ला रहे हैं वो आप ऐड करिएगा, और अपने आप अपने रिजल्ट्स भी आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन जो 10th के बच्चे हैं उन लोग के लिए थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि वहां पे ग्रेडिंग सिस्टम था, और ग्रेडिंग सिस्टम ये नहीं पता कि कितने नंबर आपने लाया था, है ना, ये नहीं पता कि आप कितने नंबर लाए हैं उसमें। ये जैसे मान लीजिए ए पॉजिटिव आपका है, नहीं है ए प्लस है, तो उस कोड का क्या मीनिंग है, इसका मतलब 80% से अबव लाए हैं, लेकिन आप कितना लाए हैं ये नहीं मालूम 80% से अबव लाए हैं। ठीक है, इस तरह आप स्पेसिफिक नंबर नहीं मालूम, लेकिन आपको 9th का जो 10th का रिजल्ट बनाएंगे, लेकिन 12th का जो रिजल्ट मैंने बनाया है वहां पे आप लोगों को पता है कि मैंने 50 में कितना लाए हैं, मान लीजिए 50 में 30 लाए हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल मार्क्स, तो आपको क्या करेगा उसको 100 में निकालेगा, है ना, जब 100 में निकालेगा तो कितना होगा 60 हो जाएगा ऑलरेडी, और 60 का जो नंबर आपने उसका 80% निकालेगा, और 80% मार्क्स जो भी होगा, और आपको 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट को ऐड करके उसका एग्रीगेट मार्क्स होगा उस सब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना।